कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकज़ई, फैसला होगा आज। इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार आसिफ जरदारी और महमूद अचकज़ई में मुकाबला होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट में वोटिंग होगी। ऐवान ज़ेरीं और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट होगा। बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का भी एक वोट शुमार होगा। पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के अरकान का वोट तादाद के तनासुब से शुमार होगा। सदारती इंतखाब खुफिया राय दही के जरिए होगा। नौ मुंतखब सदर से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हलफ लेंगे। सदर के इंतखाब का दंगल आज सजेगा। कौमी असेंबली का हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले। इलेक्शन कमीशन का अमला और सामान कौमी असेंबली पहुंचा दिया गया। कौमी असेंबली हॉल सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 600 एहलकार तैनात। पुलिस ज़राए के मुताबिक गैर मुतल्लिका अफराद को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। पार्लियामेंट के अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ पासिस के साथ होगी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया, सदारती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, असम्बली नहीं चल सकती। पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, रास्ता निकाल सकती है। कमेटी इतफाक राय से बहुत मामला हल कर सकती है। हम बैठ कर तमाम मामला का हल निकाल सकते हैं। इत्तेहादी जमातें आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर बनाने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी की शिरकत। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान उकायदीन, सैनेटर्स और मुंतखब अरकान भी शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार किया। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्लिमानी पार्टियों के एजाज में इशाया। तकरीब में स्पीकर, पंजाब असम्बली, सूबाई काबीना और अरकान असम्बली की शिरकत। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का अराकीन ने पार्लियामेंट के एजाज में इशाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पश्तूनख्वा मैप के रहनुमाओं की शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और कौमी असम्बली में नामजद कायदे हिजब इख्तिलाफ उमर अयूब भी शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट ने महमूद खान अचकज़ई की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। सदारती इंतखाब में जमीयत उलमा इस्लाम का गैर जानिबदार रहने का फैसला। इंतखाबात के नतायज पर पहले ही अपना मौकिफ वाज़े कर चुके मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक भी हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। मामले पर पार्टी से मुशावरत करके बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के वफद ने मौलाना से मुलाकात में सदारती इंतखाब में तआवुन की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी का आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। पार्टी तर्जुमान ने कहा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। बलोचिस्तान के मामलों पर पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी में 8 निकात पर इत्तेफाक हो गया। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी के लिए नून लीग से वोट मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर गवर्नर हाउस अरकान असेंबली के एजाज में जोहराने से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूं। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। एक मखसूस सियासी जमात ने नफरत को फरोग दिया। नफरत तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते, हम वोट देते। बिलावल ने एक जमात को कार्टून सही कहा था। दूसरी सीरियस जमातों को मुल्की मसाइल का एहसास है। हम सबका मुश्तरक एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है, वो गलत है। एक डोगर साहब गलत है, राणा तनवीर साहब जवाब देंगे। जनाब डोगर साहब एक मिनट जरा इनको बात तो करने दें। डोगर साहब जरा तशरीफ, डोगर साहब इनको बात, डोगर साहब जरा तशरीफ रखें। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। शोर शराबे में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 4 अराकीन ने हलफ उठा लिया।
पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लेना गैर आइनी और तौहीन अदालत है। जब तक हमारे 180 मेंबरान असेंबली नहीं आते एहतजाज करते रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुक्म इम्तना खत्म होने से पहले हलफ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिला। स्पीकर अयाज सादिक का मौकफ, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों तक महदूद है, इसका विफाक और दीगर सूबों पर इतलाक नहीं होता। अटर्नी जनरल ने उमर अयूब के बयान पर वजाहत दे दी। मिस्टर शहबाज शरीफ साहब चार चार घंटे और दो दो दिन तकरीर करते थे। मुझे कहा जाता था कि जब अपोजिशन लीडर उठे उसको उसी दा माइक देनी है, तो हमारा अपोजिशन लीडर अब डिमांड करता है तो इसको तो आनंद करें ना जी, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी तक तो ये नहीं बने ना, इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने तो देना पहले, आप लोग बनाना नहीं चाह रहे। कौमी असम्बली इजलास में असद कैसर का नुक्ता एतराज कहा, जब मैं स्पीकर था तो शहबाज शरीफ चार चार घंटे की तकरीर करते थे, हमारे अरकान को यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा। स्पीकर अय्याज़ सादिक बोले, आप अच्छे कायदे हिजब इख्तिलाफ नहीं बने, मुझे माइक दिया जाए, मैं अपोजिशन लीडर हूँ। उमर अयूब खान का स्पीकर को जवाब, स्पीकर अय्याज़ सादिक ने जवाब में कहा, आप कैसे अपोजिशन लीडर बन गए, अभी तो ये कार्रवाई अमल में नहीं आई। कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का बड़ा फैसला, दोनों जमातों का निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म करने पर इत्तेफाक। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबरा ही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून का मुसवदा तैयार किया जाएगा। दोनों जमातें मुजवजा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की खातिर सबको मिल बैठने की दावत, बोले कर्जों से निकलना होगा, टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, अब वक्त आ गया है उनके खिलाफ उठ खड़े हों, फायदा आम आदमी को होगा, हमने दिन रात मेहनत करनी है, जातियात से हटकर पसंद नापसंद को दफन करना है, पाकिस्तान की खातिर मिल बैठ कर काम करना होगा। मुआशी सूरत हाल का हर रोज़ जायजा लिया, सिर्फ PIA का हर साल नुकसान 8.5 अरब रुपये है। हमारा मैंडेट सियासी नहीं मुआशी मसाइल तक महदूद है। IMF का बानी PTI के खत पर रद्द अमल, IMF की तर्जमान ईस्टर पेरीज ने कहा, IMF मुकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता, ऐसे मामले में आलमी इदारा मुदाखलत नहीं करता। IMF इदारा जाती गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ इकदाम के मौसर होने का ख्वाहिशमंद है, तमाम पाकिस्तानियों की मुआशी बहबूद पर जोर देता है, सरकारी शोबे की कंपनियों में इस्लाहात दरकार हैं, पाकिस्तान के साथ IMF के तालुकात में फाइनेंशियल इस्तेहकाम की जमानत हासिल करने की हौसला अफजाई करता है। सेनेट इजलास में डिप्टी चेयरमैन के हुक्म पर एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। सेनेटर इसहाक डार ने मीसा के मईशत की पेशकश कर दी, बोले पाकिस्तान के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा, सियासी जमातें ग्रैंड कौमी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें ताकि मुल्क मालियाती साम्राज्य और हाइब्रिड निज़ाम से निजात हासिल करे। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास, मखसूस नशिस्तों पर अराकीन ने हलफ उठा लिया, ओपोजिशन अराकीन का शोर शराबा, ओपोजिशन अराकीन का स्पीकर डाइस का भी घेराव, शदीद नारेबाजी। पंजाब असेंबली में बानी PTI समेत PTI रहनुमाओं की रिहाई की करारदाद जमा, पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर राणा आफ्ताब भी बरस पड़े, बोले बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को किस जुर्म में हिरासत में लिया गया है, जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हक है। हुकूमती इत्तेहाद का मोहसिन नकवी को सेनेटर के उम्मीदवार के लिए नामजद करने का इम्कान, ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को विफाक में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। मोहसिन नकवी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी जमातों से भी हिमायत के लिए राबिता करेंगी, चेयरमैन PCB का ओहदा बरकरार रखेंगे।
इस्लामाबाद और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। मिराज अनीस आरिफ सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी सनत व पैदावार मुकर्रर। ग्रेड 21 के तारिक रशीद सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला तैनात। अब्दुल वहीद ज्वाइंट सेक्रेटरी मनसूबा बंदी और तरक्की मुकर्रर कर दिए गए। शबनम आमिर खान की खिदमत डिप्यूटेशन पर वफाकी शरई अदालत के सुपुर्द। ग्रेड 20 के औरंगजेब ज्वाइंट सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर। पंजाब में महकमा औकाफ और महकमा इंसानी हकूक के सेक्रेटरी तब्दील। कमिश्नर बहावलपुर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के भी तबादले। डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर तैनात। तकर्रो तबादलों के नोटिफिकेशन भी जारी। बलोचिस्तान असेंबली के 3 नौ मुंतखब अराकीन असेंबली ने रुकनीत का हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में सादिक सेंजरानी, मोहम्मद खान लहड़ी और जफरुल्ला जाहरी शामिल। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सदारती इंतखाबात के लिए तमाम जमातों से बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से सदारती इंतखाबात में साथ देने की बात हुई है। आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह और सबको साथ लेकर चलने के हक में हैं। अक्सरियत से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म से आईनी फोरम्स और सूबे के हकूक से मुतल्लिक ज़रूर मिलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पिशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं विफाक से भी क्या खैरात नहीं मांग रहे, हमारा हक है वक्त पर हमारे सूबे के पैसे मिलें। अवाम को बिजली और गैस फराहम करना चाहते हैं। बिजली का यूनिट 80 रुपये का हो गया, सूबे में इंडस्ट्रीज कम हो गई हैं। मजीद कहा पुलिस को निचली सतह से मजबूत किया जाएगा। पुलिस को कहा है कि गैर कानूनी मुकदमों को खत्म किया जाए, सूबे को पाँव पर खड़ा करेंगे। फॉर्म 45 और 47 से मुतालिक हमारा जो मौकिफ है वो रहेगा। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की करार दे दी। दौरा वरान के दौरान बावर कराया कि मुसल्ला फौज बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात सर अंजाम देती रहेंगी। सिपा सालार ने कहा पूरे पाकिस्तान को बलूचिस्तान के गयूर अवाम पर फख्र है। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया गया। सूबे की तरक्की और ज़राअत की बेहतरी के लिए इकदामात पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शहदा के अहले खाना मायदीन और किसानों से मुलाकातें की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए खवातीन को तालीम से महरूम रखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, कुरान और शरीयत में खवातीन को खुसूसी अहमियत दी गई है, खवातीन की तरक्की माशरे की तरक्की है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले अदलिया में खवातीन की तादाद 50% होनी चाहिए। मुल्क भर में इंसाफ की फराहमी के लिए 20,000 जजेस होने चाहिए, इसमें 10,000 खवातीन जजेस होनी चाहिए। पाकिस्तान में गाड़ियां मजीद महंगी होने का इम्कान। FPR ने मकामी सतह पर तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क में तैयार 1400 CC या जायद इंजन वाली गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स लिया जाएगा। इजाफी सेल्स टैक्स 40 लाख या जायद कीमत वाली गाड़ियों पर भी आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार डबल कैबिन 4 व्हील पिकअप पर भी इजाफी सेल्स टैक्स आयद होगा।